एपिसोड के शुरुआत में हम मोनी को देखते हैं। मैथ्यू से बात नहीं हो पा रही थी तो मोनी चुपके से उसके घर ही पहुंच जाती है। मोनी मैथ्यू से मूवी कैंसिल करने को बोलती है तो वो हंसता हुआ पूछता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो मोनी कहती है कि उसने मिशेल को बता दिया है कि वो ही के है और उसने ही जिया को मारा था। इस पे मैथ्यू कहता है कि लाही तुम्हारे बारे में सही कह रही थी और वैसे भी मिशेल के जानने से कुछ बदल नहीं जाएगा। मैंने ली हुई वाला ऐसा इमेज बना रखा है कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मोनी मैथ्यू को मिशेल के अगेंस्ट कन्विंस करने लगती है। कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मिशेल जैसी बड़ी डायरेक्टर एक डॉक्यूमेंट्री के लिए 24 घंटे तुम्हें फॉलो क्यों कर रही थी। वो तुम्हारे अगेंस्ट कुछ ढूंढना चाहती थी ताकि ये प्रूव कर सके कि तुम ही सिमजुन हो। मैथ्यू हंसता हुआ कहता है कि फिर तो सिंपल है, मैं मिशेल और तुम्हें दोनों को ही मार दूंगा। मिशेल को मुझे ऑब्जर्व करने के लिए और तुम्हें उसे मेरे बारे में बताने के लिए। ये बोलकर मैथ्यू अंदर जाने लगता है तो मोनी उसे रोक कर कहती है कि मैं सेव के सीईओ वैंग चैन से मीटिंग अरेंज करवा सकती हूँ। मैथ्यू कहता है कि जब लाही ये नहीं करा पाई तो तुम कैसे कराओगी। मोनी वैंग चैन के नंबर पे कॉल करती है और लाउड स्पीकर में मैथ्यू को सुनाती है जिसमें वैंग चैन मोनी से मिलने की बात कह रहा था। मैथ्यू अब मोनी से कहता है कि उसके लिए वो मिशेल को हैंडल कर लेगा। दूसरी तरफ हम मोनी की फ्रेंड को देखते हैं जो उसके कहने पे मिशेल के घर पे जिया से रिलेटेड चीजें ढूंढ रही थी, पर अचानक मिशेल वहाँ पहुँच जाती है। मिशेल को देखकर मोनी की फ्रेंड भागती है तो मिशेल भी उसके पीछे दौड़ती है और बाहर तक आ जाती है। मोनी की फ्रेंड तो वहाँ से भाग निकलती है बट दो लोग आकर मिशेल का किडनैप कर लेते हैं। एक्चुअली वो लोग नामचुल और चा थे और उन लोगों ने लाही के कहने पे ऐसा किया था। जाके पूछने पे लाही कहती है कि मोने से मिशेल को बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। वो चा से कहती है कि कल तक वो मिशेल को छुपा कर रखे और सेफली कल मूवी प्रीमियर तक लेकर आए। फिर हम देखते हैं कि एक बाइक वाला बहुत स्पीड में नामचुल की कार के पास आकर कार का एक्सीडेंट करवा देता है। नामचुल और चा गुस्से में चिल्लाते हुए कार से निकलकर बाइक वाले की तरफ जाने लगते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि दोहयुक था। उतने में किताक आकर मिशेल को कार में से निकाल लेता है। नामचुल और चा कुछ समझ पाते उससे पहले दोनों मिशेल को लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। नामचुल और चा पहले तो लाही को कॉल करके बताने का सोचते हैं, बट उन्हें लगता है कि वो उनपे चिल्लाएगी तो सोचते हैं कि कुछ दिन उसे अवॉइड ही करना चाहिए। बट उन्हें क्या पता था कि ये सब लाही का ही प्लान था। उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि दोयुक और किताक मिशेल को अपने साथ ले जाएंगे। लाही यही चाहती भी थी क्योंकि उसे पता था कि मिशेल की हेल्प से ही दोयुक दुनिया के सामने आ पाएगा। इधर दोयुक और किताक मिशेल को अपने हाइडआउट पे लेकर आते हैं। मिशेल के होश आने पे वो लोग उसे बताते हैं कि उसका किडनैप हो गया था। दोयुक मिशेल से कहता है कि अभी बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं तो उसे पीछे हट जाना चाहिए, बट मिशेल मना कर देती है। फिर वो डॉक्यूमेंट्री का फाइनल वर्जन दोयुक को देकर कहती है कि इसे मूवी प्रीमियर पे प्ले करना। नेक्स्ट डे ही मूवी प्रीमियर था। किताक दोयुक से कहता है कि अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा तो तुम सबके सामने आ पाओगे। सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। मोने मैथ्यू को कॉल करके बताती है कि मिशेल का कुछ पता नहीं है, वो कहीं छुपी हुई है। तो मैथ्यू कहता है कि चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा। तभी वहाँ गो आती है जिसे मैथ्यू ने ही बुलाया था। दूसरी तरफ अब मूवी प्रीमियर वाले वेन्यू का सीन देखते हैं, जहाँ मैथ्यू के अलावा बाकी सभी लोग आ चुके थे। मोनी डरी हुई तो थी बट मन ही मन सोच रही थी कि मैथ्यू इस मूवी रिलीज को जरूर रोक देगा। दोयुक और किताक भी वहाँ पहुँचे हुए थे। दोयुक उस समय एक मास्क निकालकर अपने चेहरे पे लगाता है जो सिमजुन का मास्क था। अब वो बिल्कुल सिमजुन के जैसा लगने लगा था। फिर हम मैथ्यू को देखते हैं जो अब वहाँ पहुँच चुका था। बाहर ही वो अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शंस देता है कि मिशेल इस वेन्यू के आसपास नहीं आनी चाहिए, पर मिशेल तो अंदर ही थी। वो मैथ्यू को कॉल करके कहती है कि उसे पता है कि वो के है। मिशेल मैथ्यू को अकेले फोर्थ फ्लोर पे आने को बोलती है, वरना धमकी देती है कि वो एक वीडियो प्ले करेगी जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि वो सिमजुन है। इधर लाही प्रेस के सामने मूवी का इंट्रोडक्शन देती हुई कहती है कि ये एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, उसकी बेटी दामी की लाइफ पे बेस्ड है जिसे सुंगचान ग्रुप के सुनजुन ने मार डाला। अभी ये चल ही रहा था कि ऑडियंस में बैठे जिनमू की नजर दोयुक पे जाती है जिसने सिमजुन वाला मास्क लगा रखा था। जिनमू को पहले तो लगता है कि उसका भ्रम है, बट फिर चा भी उसे देखती है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये सिमजुन कैसे हो सकता है, सिमजुन तो मैथ्यू है। तीनों उसके पीछे जाते हैं पर दोयुक तो जैसे कहीं गायब ही हो जाता है। फिर हम मिशेल को देखते हैं। मैथ्यू के सामने आने पे मिशेल चिल्लाती हुई कहती है
कि जैसे तुमने मेरी बहन को मारा था वैसे मुझे भी मार डालो। पर मैथ्यू बस हंसता है। वो समझ जाता है कि मिशेल जानबूझकर उसे प्रोवोक कर रही है। वो मिशेल से कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या, और वो वहाँ से जाने लगता है तो मिशेल भी उसके पीछे जाती है। इधर लाही मैथ्यू को स्टेज पे इनवाइट करती है तो उसकी जगह पे गो स्टेज में आती है और कहती है कि मैथ्यू अभी बहुत बड़े शॉक में है इसलिए वो आ नहीं पाया। गो सबको बताती है कि वो दामी की टीचर हुआ करती थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि जब गो मैथ्यू के ऑफिस गई थी तब मैथ्यू ने उसे कुछ करने को कहा था, कुछ ऐसा जो वो करना नहीं चाहती थी। तब मैथ्यू ने उससे कहा था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसे जिन्मो को डिवोर्स तो देना ही होगा, उसके लिए सारे पैसे भी लौटाने होंगे। उसी धमकी के कारण गो आज स्टेज पे थी। वो कहती है कि आज उसे और मैथ्यू को बहुत बड़ी बात पता चली है। उन्हें पता चला है कि सिमजुन के बच्चे को डिलीवर करने वाली और दामी को फंसाने वाली और कोई नहीं बल्कि जिया थी, जो दामी को बुली किया करती थी। और इतना ही नहीं, डायरेक्टर मिशेल उसी जिया की बहन है। मिशेल ने पास्ट में अपने ही फादर का मर्डर किया था और ब्लेम अपनी छोटी बहन जिया पे डाल दिया था, जो उस समय बस 13 साल की थी। गो मिशेल का बहुत बुरा इमेज बनाकर सबके सामने प्रेजेंट करती है, कहती है कि उसी की वजह से जिया एक बुली बन गई थी। इधर मिशेल भी ऊपर से सब कुछ सुन रही थी। वो मैथ्यू से कहती है कि ऐसे भी मेरा मूवी रिलीज करने का कोई प्लान नहीं था, मैं तो बस एविडेंस ढूंढ रही थी ये प्रूव करने के लिए कि तुम सिमजुन हो। मैथ्यू गुस्से में आकर मिशेल का गला दबाने लगता है तो मिशेल उसके हाथ में स्क्रैच करके वहाँ से भागती है। नीचे हम गो को देखते हैं जो अनाउंस करती है कि मैथ्यू ने इस मूवी के रिलीज को अब रोक दिया है। अभी सब इस अनाउंसमेंट से शॉक में ही थे कि ऊपर से उन्हें मिशेल की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ, सिमजुन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ये बोलकर वो नीचे कूद जाती है। सब ऊपर देखते हैं तो उन्हें मैथ्यू दिखता है। सब चिल्लाने लगते हैं कि मैथ्यू ने ही मिशेल को धक्का दिया, मैथ्यू ने ही इसे मार डाला। मैथ्यू भी अब घबराने लग जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट्री वाला वीडियो चलने लग जाता है। उस वीडियो में मैथ्यू बच्चों के साथ बहुत बुरी तरह से बिहेव कर रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मिशेल छुपकर वीडियो बना रही है। इतना शौक जैसे मैथ्यू के लिए काफी नहीं था। उसकी नज़र सिमजुन यानी दोयुक पे पड़ती है, जो उसे देखकर हंस रहा था। फिर अचानक से वहाँ फायर अलार्म बजता है और मिशेल जहाँ पे गिरी हुई थी वहाँ धुआं भर जाता है। धुआं थोड़ा हटता है तब सबको रियलाइज होता है कि मिशेल तो गायब है। एक्चुअली फायर अलार्म और धुएं की मदद से किताक मिशेल को बाहर ले आया था, जहां एम्बुलेंस लगी हुई थी। वो एम्बुलेंस में मिशेल को ले जाने लगता है और उसे ऐसा करते लाही दूर से देख लेती है। फिर वो वेन्यू के सिक्योरिटी रूम पहुंचती है और कहती है कि उसे सीसीटीवी फुटेज देखना है। रास्ते में किताक मिशेल से कहने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया जब ये उनके प्लान में ही नहीं था, उसे तो बस वीडियो प्ले होने तक मैथ्यू को बिजी रखना था। मिशेल तो बहुत बुरे हाल में थी, बट किसी तरह आंसर करती है कि उसे कोई रिग्रेट नहीं है। फिर हम मैथ्यू को देखते हैं, जिसे पुलिस वाले आकर अरेस्ट करके ले जा रहे थे, क्योंकि सबको तो यही लग रहा था कि मैथ्यू ने मिशेल को धक्का दिया। सब उसे मर्डरर मर्डरर कह रहे थे। मैथ्यू बस चिल्लाए जा रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे लॉयर को बुलाओ। अब तो रिपोर्टर्स भी उससे पूछने लगे थे कि मिशेल ने तुम्हें सिमजुन कहकर क्यों बुलाया, तुम ली हुई हो या नहीं। मैथ्यू को तो समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। तभी लाही वहाँ पहुँच जाती है और सबसे कहती है कि असली कल्प्रिट मैथ्यू नहीं सिमजुन है। वो पुलिस वालों को सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें सिमजुन मिशेल के पीछे पीछे चल रहा था। लाही कहती है कि मिशेल का मर्डर करके सिमजुन उसे कहीं ले गया है, क्योंकि वो मूवी रिलीज होने ही नहीं देना चाहता था। अब चा और बाकी लोग भी कहने लगते हैं कि उन लोगों ने भी सिमजुन को देखा था। मैथ्यू को भी अब बोलना पड़ता है कि वो सिमजुन था बिना प्लास्टिक सर्जरी के। फिर वो ये भी कहता है कि जो वीडियो अभी प्ले की गई वो एक डीप फेक वीडियो है, जो सिमजुन ने ही प्ले किया था। लाही और मैथ्यू फिर कैमरे के सामने दोयुक से माफी मांगते हैं, क्योंकि अब ये प्रूफ हो गया था कि सिमजुन ने प्लास्टिक सर्जरी कराकर दोयुक का चेहरा नहीं लिया है, मतलब दोयुक इनोसेंट है। एक्चुअली मैथ्यू को तो फ्लो में ऐसा करना पड़ता है, बट लाही तो जानबूझकर ऐसा कर रही थी ताकि दोयुक को फ्रीडम मिल पाए। और ऐसा ही होता है, इस इंसिडेंट का सारा ब्लेम सिमजुन पे आता है और दोयुक पर से सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मैथ्यू को देखते हैं, जो घर लौटता हुआ यही सोच रहा था कि आखिर वो इंसान था कौन। तभी बीच सड़क पे वही इंसान खड़ा मिलता है।
मैथ्यू कार में से उतरकर उसके पास जाता है और चिल्लाकर पूछता है कि तुम कौन हो जो सिमजुन बनने का नाटक कर रहे हो। इस पे दोयुक अपने चेहरे से मास्क हटाकर अपना चेहरा रिवील करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।